दोस्तों, फल और साग सब्जियों के मामले में हमारा देश एक धनी देश माना जाता है, जहां नॉनवेज की तुलना में शाकाहारी भोजन के कई वैरायटी आपको दिख जाएंगे। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इन सभी स्वादिष्ट सब्जियों का उसका फायदा नहीं उठा पाते। अगर आप शाकाहारी खाने पीने के शौकीन हैं, तो अपने डाइट में सहजन को जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों, सहजन एक प्रकार की हरी सब्जी है, जिसे अंग्रेजी में ड्रमस्टिक या फिर मोरिंगा कहा जाता है। इसकी फलियों के साथ साथ इसके पत्ते और फूल का भी इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। सहजन के तीनों भाग बहुत ही गुणकारी होते हैं, आप इसे कई बीमारियों की दवाई कह सकते हो। सहजन की फली में प्रोटीन, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, और इसकी पत्तियों में कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है। सहजन में एंटीऑक्सीडेंट, बायोएक्टिव प्लांट कंपाउंड होते हैं। सहजन की ताकत का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सहजन में गाजर से 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है, जो हमारी आंखों के लिए, स्किन के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, यानी कि इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सहजन में केले से 3 गुना ज्यादा पोटेशियम और संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। अगर आप सहजन नहीं खाते हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। आपको इस सब्जी को जरूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इसे आप संसार की सबसे ताकतवर सब्जी भी कह सकते हो। अगर आपके शरीर में अंदरूनी कमजोरी है, यानी कि पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी, शरीर में खून की कमी है, मोटापा बढ़ा हुआ है, कैल्शियम की कमी है, आंखें कमजोर है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, कब्ज की समस्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की समस्या है, या फिर आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगे हो, शरीर में ताकत नहीं रहती, जान नहीं रहता, हमेशा थकान महसूस करते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सहजन खाने के फायदों के अलावा इसे खाने के तरीकों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सहजन की फली में विटामिन के अलावा जिंक, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। पुरुषों में स्पर्म बनने में जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को भी मजबूत करता है। गठिया, जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द को दूर करता है। साथ ही इसको खाने से दांत भी मजबूत होते हैं। दोस्तों, यह एंटीबायोटिक और पेन किलर का भी काम करता है और सूजन और दर्द को दूर करने में हेल्पफुल होता है। इसकी सब्जी खाने से डैमेज टिश्यूज के मरम्मत में यह मदद करता है। इसमें विटामिन ए होता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही चेहरे पे जल्दी झुर्रियां नहीं आने देता। ये चेहरे के किल मुहासों से निजात दिलाता है, चेहरे पे हमेशा चमक बनाए रखेगा। इसमें दोस्तों विटामिन ई होता है, यह एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बालों के जड़ों को मजबूती मिलती है, बाल काले घने होते हैं। इसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं, जो मसल्स बनाते हैं और बॉडी को फिट रखते हैं। इसके साथ ही ये वेट लॉस करने में काफी मदद करता है। इसे खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे वजन कम होता है। ये पेट के रोगों को दूर करने में भी अच्छा होता है। इसमें दोस्तों फाइबर ज्यादा होती है, इसे खाने से डाइजेशन अच्छा रहता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी काफी मात्रा में होता है, जो हार्ट की बीमारियों से हमें बचाता है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है, शरीर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर आपको डायबिटीज है, तो इस सब्जी को अपने डाइट में शामिल कीजिए। सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो कई तरह के इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, तो आप समझिए कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप विटामिन सी वाले फूड्स अपने डाइट में शामिल कीजिए, और सहजन विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। जिन्हें भी अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, तो उन्हें सहजन का सूप पीना चाहिए। यह औषधि की तरह काम करता है। दोस्तों, सहजन में मौजूद औषधीय गुण कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के जोखिम को भी कम करने में हेल्प करते हैं। दरअसल सहजन और सहजन की पत्तियों में एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर गुण मौजूद होते हैं। इसके अलावा सहजन की पत्तियां पॉलीफेनॉल्स और पॉलीफेनॉइड्स से समृद्ध होती हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर यौगिक होते हैं, जो इस घातक बीमारी के खतरे को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी डायबिटिक गुण डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। अपने डाइट में सहजन या फिर इसकी पत्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। सहजन की सब्जी भी बनती है और इनकी पत्तियों की भी सब्जी बनती है, या फिर इनकी पत्तियों का जूस बनाकर पी सकते हैं। इसमें क्वासेटीन नामक फ्लेवोनॉल होते हैं, जो हिपेटोप्रोटेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, यानी कि लीवर को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाकर इसे हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इसलिए सहजन या फिर सहजन की पत्तियों को अपने डाइट में शामिल जरूर करें और अपने लीवर को घातक बीमारियों के जोखिम से बचाए रखें। खासकर वे लोग जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, उन्हें सहजन की पत्तियों का जूस जरूर पीना चाहिए।
लगभग आधे गिलास की मात्रा में रोजाना सुबह सुबह सहजन की पत्तियों का जूस पीना चाहिए, इससे उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको सहजन का सूप बनाने का एक रेसिपी बताता हूँ। इस सूप का सेवन आप पूरे बरसात के मौसम में करना, ये शारीरिक कमजोरी दूर करेगा, हाथ में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या को दूर करेगा, हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या फिर आपको डायबिटीज है तो उसमें भी ये फायदा करेगा। इस सूप को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सहजन के 8 छोटे छोटे टुकड़े कटे हुए होने चाहिए, आधा चम्मच मेथी, 1 टमाटर, नमक चाहिए होगा स्वाद अनुसार और तेल चाहिए होगा और चाहिए होगा 1 चुटकी काली मिर्च। गैस ऑन करें, उसमें पैन रखें और उसमें तेल डाल दीजिए। तेल भी आपको जरा सा इस्तेमाल करना है। तेल गर्म हो जाए तो उसमें मेथी डालें। मेथी डालने के बाद देखिएगा मेथी जब थोड़ा डार्क होने लगे उसमें टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल दें और उसमें नमक डाल दें। 1 मिनट तक भून लीजिए और टमाटर को चम्मच से मैश कर दें। अब उसमें सहजन डालकर चलाएं। सहजन को 2-3 मिनट तक मध्यम आंच में पकने दें और उसमें जरूरत के अनुसार पानी डाल दीजिए और ढक्कन से 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दें। आपका गर्मा गर्म सहजन का सूप तैयार है। इसे पूरे बारिश के मौसम में लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। इसे आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। खून को पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 3-4 दिन या फिर रोजाना इसका सूप पीजिए और स्वस्थ रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।